हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा पकोड़े। चलिए देखते हैं किस तरह से बनते हैं। यहाँ पे हमने ये एक ब्रेड का पैकेट ले लिया है। यहाँ पे हमने दो अंडे लिए हैं और यहाँ पे हमने एक टमाटर लिया है और एक अनियन का यूज़ करा है। और यहाँ पे हमने मियोनी ली है एगलेस की। और यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनिजम्स मिक्स लिए हैं। और यहाँ हम पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिए हैं, इनका ब्राउन साइड हम काट लेंगे। यहाँ पे हमने इसका हल्का हल्का ही एक कोना काटना है। हमने इसके साइड के काट लिए हैं, हमें इसी तरह सारे काट लेने हैं। यहाँ पे हमने ये काट लिए हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये किस तरह से काटे हैं। इसके साइडों को हमने ऐसे ही काटना है। हम इसे फेंकेंगे नहीं, आप इसे दूध में डाल के खा सकते हैं। जो हमारे आधे ब्रेड रह गए थे अब उनको हम पीस लेंगे। इनको हमने ग्राइंड करना है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम बारीक ग्राइंड करेंगे, आपको ग्राइंड करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है, देखिए कितना बारीक है। हमें इसी तरीके से पीस लेना है। यहाँ पे हम इन दोनों अंडों को फोड़ लेंगे। यहाँ पर हम आधी से कम चम्मच थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। यहाँ पर हम आधी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी से कम चम्मच। यहाँ पे हम इसे फेंट लेंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम प्याज और टमाटर को बिल्कुल बारीक काट लेंगे। यहाँ पे हमने इनको बारीक काट लिया है, इसे हमें इतना ही बारीक काटना है। यहाँ पे हम एक ब्रेड ले लेंगे और इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को लगा लेंगे। यहाँ पे हम मियोनी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़े से टमाटर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी प्याज को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम मियोनी को ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा। दल और चिली फ्लेक्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम दूसरे ब्रेड को ऐड कर देंगे। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। यहाँ पे हमने सारे ब्रेड का सैंडविच बना लिया है। यहाँ पे इसमें अच्छे से हमने लगा लिया है, देखिए। अब हम इसे सेकते हैं। पे हमने एक ब्रेड ले लिया है, ये जो हमने अंडा फेटा था मिर्ची और नमक डाल के, इसे हम ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे अच्छे तरीके से। इसे हमें दोनों तरफ लगाना है। इसे हम जो हमने ब्रेड पीसा था उसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसी तरीके से लगा देंगे। इसके ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे हमने तवा को रख लिया है, ये गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने मक्खन को मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर हम इसे ऐसे लगा देंगे। अब हम इस सैंडविच को देंगे। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट एक ही साइड पकाना है। इसे हमें हल्की गैस पे ही रखना है। इसी तरह से हम और बनाते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे इसे पलट के। यहाँ पे हमारा हल्का सिक चुका है, अब इसे हमें और सेकना है। इसके ऊपर हम मक्खन लगा देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से सिकने देंगे। हमें इसी तरीके से सारे सेक लेने हैं। देखते हैं इसका कैसा कलर आया है। अभी ये सिका नहीं है, इसे देखते हैं ये सिक चुका है कि नहीं। ये हमारा सिक चुका है, इसे हम प्लेट में निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा सिक चुका है कि नहीं। ये हमारा सिक चुका है। हमें इसी तरीके से सारे सेक लेने हैं। यहाँ पे हमने सैंडविच बना लिए हैं।
देखिए ये अच्छे तरीके से सिक गए हैं दोनों तरफ से। यह खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, आप इसे लंच में स्कूल में पैक कर सकते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे हमने रेड चिल्ली सॉस, केचप और मेयोनी के साथ ली है इसे। देखते हैं ये किस तरीके से बनी है। देखिए इसकी स्टफिंग बहुत अच्छे से हुई है। आप इसे सॉस से, मेयोनीज या केचप से, किसी से भी आप खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।